नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं उमान मेरे पेश है 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं पूरे देश भर में कितने कोरोना के मरीज हैं और किन राज्यों में कितने मरीज हैं, कितने ठीक हुए और कितनी मौत हुई। चलिए हर एक राज्यवार हम इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। केंद्र सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसमें ग्रीन जोन में काफी छूट रहेगी, रेड जोन में पाबंदियां लागू रहेगी, ऑरेंज और ग्रीन जोन में मिलेगी काफी रियायतें। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ खुलेगी दुकानें। सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़ आवाजाही बंद रहेगा। अब चलते हैं देश में कोरोना के बारे में बात करने के लिए, किस राज्य में कितने कोरोना मरीज हैं। देश में अभी तक जो कोरोना मरीज आए हैं उसमें 35,365 कुल मरीज अभी तक सामने आए हैं, जिसमें 9,065 ठीक हुए हैं जबकि 1,152 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, ये टोटल नंबर है जो मरीजों की संख्या है कोविड 19 की 35,365, जिसमें 9,065 ठीक हुए हैं और 1,152 लोगों की मौत हुई है। अब हम बताते हैं आपको स्टेट बाई जो आखिर किस राज्यों में कितने मरीज सामने आए। अंडमान निकोबार में 33 मरीज आए, जिसमें 16 ठीक हो गए, इनकी मौत नहीं हुई है। वहीं चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में 1,403 कुल मरीज आए, जिसमें 403 ठीक हुए और 33 की मौत हुई है। वही अरुणाचल प्रदेश की ओर चले, यहां पर 1 मरीज आए और वो भी ठीक हो गए, यहां पर किसी की मौत नहीं हुई है। जी हाँ, पूरी तरह से कोरोना मुक्त है। अब चलते हैं असम की ओर। असम में 42 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 29 ठीक हुए, 1 की मौत हुई। जी हाँ, बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में 426 मरीज सामने आए, जिसमें 82 ठीक हुए हैं और 2 की मौत हुई है। वहीं चंडीगढ़ की ओर चले, चंडीगढ़ में 56 मरीज सामने आए हैं, 17 ठीक हुए हैं और 1 की किसी की मौत नहीं हुई है। चलिए, ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पूरी तरह से हॉटस्पॉट है, अब शायद कुछ छूट मिले। छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में 40 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 36 ठीक हुए हैं और इनकी मौत नहीं हुई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में काफ़ी कुछ अच्छा है। फिर दिल्ली की ओर, दिल्ली में काफ़ी विकट समस्या है। जी हाँ, 3,515 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 1,094 ठीक हुए हैं और 59 मरीजों की मौत हुई है। चलते हैं गोवा की ओर। गोवा में 7 मरीज सामने हैं, जिसमें 7 ठीक हो गए और किसी की मौत नहीं हुई है। काफ़ी खुशखबरी और इसीलिए ये भी राज्य कोरोना मुक्त है। चलिए गुजरात की ओर। गुजरात में 4,395 मरीज सामने आए, जिसमें 613 ठीक हुए हैं और 214 की मौत हुई है। वहीं चलिए हरियाणा की ओर। हरियाणा में 313 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 209 ठीक हुए हैं और 3 की मौत हो गई है। जी हाँ, चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में 40 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 28 ठीक हुए हैं और 1 की मौत हुई है। चलिए जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर में 614 मरीज सामने आए, जिसमें 216 ठीक हुए और 8 की मौत हुई है। चलिए झारखंड की ओर। झारखंड में 111 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 20 की ठीक हुए हैं और 3 की मौत हुई है। जी हाँ, झारखंड में, और झारखंड काफ़ी कुछ तैयार है अपने बाहर मजदूरों को लाने के लिए, श्रमिकों को लाने के लिए। उसने अपने ट्रेन भी भेजे थे तेलंगाना से और एक ट्रिप में उनके 1200 श्रमिक लौट भी आए हैं। चलिए कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में 576 मरीज सामने आए, जिसमें 235 ठीक हुए हैं और 22 की मौत हुई है। चलिए केरला की ओर। केरला में 497 मरीज सामने आए, जिसमें 383 ठीक हुए हैं और 4 की मौत हुई है। वहीं लद्दाख की ओर चलते हैं। लद्दाख में 22 मरीज सामने आए, जिसमें 16 ठीक हुए हैं और किसी की मौत नहीं हुई है। चलिए मध्य प्रदेश की ओर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 2,719 मरीज सामने आए, जिसमें 482 ठीक हुए हैं और 137 की मौत हुई है। चलिए महाराष्ट्र की ओर। जी हाँ, महाराष्ट्र में काफ़ी विकट स्थिति है। जी हाँ, महाराष्ट्र में 10,498 मरीज सामने आए, जिसमें 1,773 मरीज ठीक हुए हैं, 459 की मौत हुई है। चलिए मणिपुर की ओर। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छा हालात, 2 मरीज सामने आए, दोनों ठीक हुए, किसी की मौत नहीं हुई है। अब चलिए मेघालय की ओर। मेघालय में 12 मरीज सामने आए और ये यहाँ भी कोई ठीक नहीं हुआ और 1 की मौत हुई है। चलिए मिजोरम। मिजोरम में 1 मरीज सामने आए हैं और ना वो ठीक हुए हैं अभी और ना किसी की मौत भी नहीं हुई है। चलिए उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में 143 मरीज सामने आए, 41 उसमें ठीक हुए और 1 की मौत हो गई है। चलिए पुडुचेरी की ओर। पुडुचेरी में 8 मरीज सामने आए, जिसमें 5 ठीक हुए, किसी की मौत नहीं हुई है। अब चलिए पंजाब की ओर। पंजाब में 357 मरीज सामने आए, जिसमें 90 ठीक हुए हैं, 19 की मौत हो गई है। चलिए राजस्थान की ओर। राजस्थान में 2,584 मरीज सामने आए, जिसमें 836 के ठीक हुए हैं और 58 की मौत हो गई है।
तो तमिलनाडु की ओर, जहां तमिलनाडु में 2323 मरीज सामने आए जिसमें 1258 ठीक हुए हैं और 27 की मौत हो गई है। चले तेलंगाना की ओर, तेलंगाना में 1039 मरीज सामने आए जिसमें 441 ठीक हुए हैं और 26 की मौत हुई है। चले त्रिपुरा की ओर, त्रिपुरा में 2 मरीज सामने आए और दोनों ठीक हो गए, यहाँ ये भी कोरोना मुक्त है। वहीं उत्तराखंड की ओर चले, उत्तराखंड में 57 मरीज सामने आए जिसमें 36 ठीक हुए हैं, अग्नि की मौत नहीं हुई है। अब चले उत्तर प्रदेश की ओर, उत्तर प्रदेश में 2281 मरीज सामने आए जिसमें 555 ठीक हुए हैं और 41 की मौत हुई है। चले पश्चिम बंगाल की ओर, पश्चिम बंगाल में 795 मरीज सामने आए जिसमें 139 ठीक हुए हैं और 33 की मौत हुई है। तो ये था स्टेट वाइज, और हम आपको पूरा बताते हैं जो कोरोना के संक्रमित हैं पूरे सारे पूरे भारत में, उसमें 35,365 मरीज सामने आए हैं जिसमें 965 ठीक हुए हैं और 1,152 मरीज की मौत हुई है। तो ये था पूरा स्टेट वाइज और पूरा सिनेरियो था पूरे देश का, हम आपको बता रहे थे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 1.5 माह से जंगल से भटके तेंदुओं को युवाओं ने सूझबूझ से पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। वन विभाग की लाख मशक्कत के बाद भी तेंदुआ उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। जानकारी के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि नाले के अंदर बंधे के नीचे तेंदुआ आया हुआ है, तो हमारे वन रक्षक श्री अमजद खान वन रक्षक जो है, तो आए यहाँ से लोगों को सहायता लेकर के उसको पिंजरा यहाँ पहले से रखा हुआ था उसको यहाँ मंगवाए और उसके बाद ग्रामीणों की मदद से उसको अंदर कराए। अब तेंदुओं को कहाँ छोड़ा जाएगा? तेंदुओं को छोड़ने के ऊपर के अधिकारियों के परमिशन के बाद छोड़ा, अभी स्वास्थ्य परीक्षण होगा, इसको ले जाने के बाद मेडिकल टीम आ रही है, स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत जैसा निर्देश ऊपर को मिलेगा उस हिसाब से। लॉकडाउन और मौसम की मार से जहां किसान परेशान है, वहीं क्रय केंद्र के अधिकारी रिश्वत मांगकर उनकी परेशानी और बढ़ा दी है, जिसका ऑडियो वायरल हो गया है। भारतीय किसान संघ ने सरकार से मामले की जांच की मांग की है। हाँ भैया बताओ साहब। हाँ नमस्ते भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया है महोदय। अच्छा, प्रेमचंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं? जी, आपके पड़ोसी है? हाँ हाँ, मालूम है मुझे, पटवाई रोड। हाँ पटवाई रोड पर। हाँ बताओ, क्या है इनका गेहूँ का क्या मामला है? इनके गेहूँ का मामला नहीं है, बात यह है ये खर्चा मालूम कर रहे थे। खर्चा मैंने बताया, मैंने 20 रुपए हम तो पल्लेदारी पड़ती है, 20 रुपए ट्रक ड्राइवर ट्रक वाला लेता है। 20 रुपए ट्रक, हाँ ढुलाई का, और 25-26 रुपए 27 रुपए लगभग एफ सी आई में पड़ता है। 27 रुपए एफ सी आई में, ठीक है। कितना हो गया ये? 20 रुपए पल्लेदारी, 20 रुपए ट्रक, 27 रुपए ये हो गए, 67 रुपए हो गए। वही मैंने है? और कोई खर्चा ना? और कोई खर्चा नहीं है, हमने इनसे ये भी कह दिया मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आपको अगर इस पर आपत्ति है तो आप जो अपना उतरवा दे वहाँ एच आई में, मैं चलवा दूंगा। अच्छा, 67 रुपए जो अपना सरकारी रेट है 1925 में 20 रुपए तो छनाई के और उठाई के गेहूँ की, 20 रुपए ये हमें वैसे ही देंगे, ये तो अगर ये कुछ भी ना करेंगे तो भी 20 रुपए इन्हें देना है, तो वो 20 रुपए वापस आ जाएगा ना 1925 और 20 रुपए तो वो है ही है, वो इनको देना 1925 में ही, चाहे अपनी जेब से दे दे चाहे उसमें से दे दे। ना 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 ना, 1925 रुपए का तो रेट है, ठीक है। 20 रुपए आप लेबर के इनसे देंगे वो इनको रेट 1945 रुपए का आएगा इनके खाते में। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बैंक में पैसा कुछ नहीं ऐसा ही है सर। चलिए सर, आप इनको नेट कितने रुपए का पैसा आ जाएगा? नेट इसमें से इतनी काट लो जितने मैंने बताया इसमें बच जाऊंगे ना। ये आपने 20 पल्लेदारी के बताए, 20 ट्रक के बताए, 27 रुपए एफ सी आई के बताए, 20 रुपए आप इसके बता रहे हो लेबर के? ना ये टोटल यही हुए बस, 67 रुपए हुए हैं। तो 1925 और माइनस 67 रुपए, 67 कर लो, 1,000 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है वो कोई बात नहीं, 1858 रुपए का रेट मिलेगा इनको। 58 मान लो, 60 मान लो, बहुत सर 1860 का हमारा इनको पैसा मिलेगा किसान को। ये अपने पास कोई जियो है स्वास्थ्य का है? किस स्वास्थ्य का? इसी का 1860 रुपए मिलेगा। नहीं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो मैं वेतन से तो दूंगा नहीं, ये तो आप भी जानते हो। ना ना वेतन से तो कोई नहीं दूंगा, अगर इस बात सरकारी सरकारी रेट 1925 है तो 1925 1925 में 20 रुपए ये देंगे 1905 बचे। अच्छा,
60 रुपए का पेमेंट मिल पाएगा ना? अभी नहीं चला है। कितना गेम हुआ इनका लगभग? अभी ये नहीं मालूम हुई, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पेंटर कहाँ पड़ता है? श्यामपुर तिराहा पे। श्यामपुर अगर तिराहा पे हुए आप, तो ये तो इनके अंदर में आता होगा अपने, क्या नाम है चेयरमैन साहब के? हाँ चेयरमैन साहब के अंडर में भी है, श्यामपुर का भी है, चेयरमैन साहब के अंडर में श्यामपुर पे। अच्छा वहाँ पे भी यही खर्चा जा रहा होगा? वहाँ 18.5 का दे रहे हैं। अच्छा वो 18.5 को दे रहे हैं, वहाँ पे इंचार्ज कौन है? वहाँ का तो वो खुद है ठेकेदार, ठेका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। क्या नाम है उनका? भागीरथ चेयरमैन के लड़के हैं राजू। अच्छा भागीरथ चेयरमैन के लड़के हैं राजू, वो भी 1850 का पेमेंट दे रहे हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी भाई साहब, अभी भाई थोड़ा सा ना दीजिए। जनपद में सभी सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद चल रही है और सभी क्रय केंद्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अभी तक 15 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद शुरू हुई थी उसमें अभी तक हमने 19,200 मीट्रिक एमटी गेहूं की खरीद कर ली है और इनमें से 15,000 एमटी का उठान भी हो गया है। जो बीच में बारिश आई थी उसका असर हमारे जो गेहूं के क्रय केंद्र पर रखे गए गेहूं हैं उनके ऊपर कोई नहीं पड़ा, क्योंकि उठान समय से हो चुका था और जो बचे हुए गेहूं थे उसको सुरक्षित रखा गया था। हम प्रदेश में लगभग 12.5% की हमारी जो खरीद के लक्ष्य के 12.5% है, जो बहुत संतोषजनक और बहुत बेहतर प्रगति है और हम बेहतर स्थिति में चल रहे हैं। इस बीच में लगातार नज़र रखी जा रही है, जो बिचौलिए हों या जो अवैध रूप से गेहूं खरीदने वाले हों उनके ऊपर भी बराबर नज़र रखी जा रही है और कार्यवाहियां की जा रही हैं, उनकी पहचान की जा रही है। अभी तक 2-3 मामलों में कार्यवाही हो चुकी है और आगे भी इसके निरंतर हमारी नज़र है और उसके ऊपर कार्यवाही होगी। सभी से अपील है, सभी किसानों से, कि हमारे सरकारी क्रय केंद्रों पर ही गेहूँ दें और वहाँ पर जो उनका भुगतान है उसका भुगतान ससमय कराया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी तरीके के बहकावे में ना आवे, किसी के बहकावे में ना आवे, जो पैसा उनके खाते में सीधे भेजा जाएगा। किसी तरीके की समस्या अगर आती है तो हमारे कंट्रोल रूम को सूचित कर दें या हमारे जो खाद्य विपणन अधिकारी है उनको सूचित करें या सीधे जिलाधिकारी को भी सूचित कर सकते हैं। ताज का दीदार करने आए त्रिपुरा के 55 लोग आगरा में लॉकडाउन में फंसे थे, जिन्हें अपने घर जाने की इजाजत मिल गई, जिसके बाद पर्यटकों ने जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। क्या नाम आपका? कमल अग्रवाल, मैं होटल सर्वन का मालिक हूँ। आज इनकी विदाई हो रही है जी? हाँ आज विदाई हो रही है इनकी मेरे यहाँ से, और अच्छा लग रहा है कि ये लोग खुश हो रहे हैं, अपने घर पहुँच जाएंगे। बहुत खुशी होगी मेरे को, दिल से बहुत खुशी होगी कि ये लोग अपने घर सुरक्षित पहुँचे। घर जाने कितना मन कर रहा था आपका? घर चले जाए, घर जाने के मन कर रहे तो नहीं बोला हो तो रोना लग जाएगा। तो बहुत कितनी याद आ रही थी आपको? बहुत 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 याद आ रहे थे घर के जाने के लिए। किस किस की याद आ रही थी? मेरे बेटा है, बेटी है, मेरे बुढ़ा माँ है। मध्य प्रदेश के रायसेन के किसानों की शिकायत है कि गेहूं खरीद केंद्र में एक दिन में मात्र 300 से 500 क्विंटल गेहूं तौली जा रही है, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि ऐसे में बरसात तक किसानों के गेहूं की खरीदारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसान की कोई गलती नहीं है, किसान के खेत में गेहूं होता है। निश्चित है कि गेहूं जो है वो मिट्टी में होता है, जब आड़ी होती है तो मिट्टी भी आती है, लेकिन हमें तुलाना है तो उसका मिट्टी अगल कर वो चाहता है किसान का मेरा गेहूं तुल जाए, मिट्टी भले अलग हो जाए। अब उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो गेहूं में से मिट्टी अलग कर सके, तो उसकी वो बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। निश्चित है कि मुख्यमंत्री जी ने उस बात के लिए बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने मेरे लिए पूरा आश्वासन दिया क्या देवेंद्र भाई, पूरे क्षेत्र में पूरे प्रदेश में निश्चित है हम किसानों का गेहूं तुलाएंगे, और उसके लिए हम सोच रहे हैं जो भी हल हो, चाहे वो ग्रेडर का हल हो, चाहे वो हमारे कट्टी का हल हो, जो भी हल हो, हम वो किसानों की समस्या के लिए उसे प्रयास करेंगे, ऐसी भावना है। और मेरे भी सभी किसान बंधुओं से निवेदन है कि ये आपातकाल का समय है, आपातकाल के समय में धैर्यता के साथ में परिचय है, हमारे अधिकारी जो हैं जो सेंटरों पर अधिकार हैं उनसे अच्छा वार्तालाप रहे हैं, हमारे माननीय जिला के कलेक्टर महोदय, निश्चित है कि हमारा रायसेन जिला रेड जोन में कोरोना में आया है, तो
तो निश्चित है वो मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहते हैं। क्यों कि रेड जोन में आने से यहाँ की अव्यवस्था है, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, उससे भी हमें बचना है, उससे भी हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे। खास तौर पर कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है कि उनका क्षेत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए वो प्रयत्नशील है। हमेशा उन्होंने चिंता जाहिर की, 3 महीने पहले से चिंता जाहिर करी कि देवेंद्र भैया इस क्षेत्र के किसानों का गेहूँ तो लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं, मेरा पूरा प्रशासन, मध्य प्रदेश का प्रशासन प्रयास करेंगे कि हमारा किसी भी तरह से गेहूं किसान का तुलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि स्कूल 1 माह से अधिक का शुल्क न ले, साथ ही नए सत्र में विद्यालयों की फीस में कोई बढ़ोतरी भी न करे। अपने विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। सबसे पहले हमने वित्त विहीन जो शिक्षक है उनके लिए एक आदेश को जारी किया है कि वित्तविहीन अध्यापकों को उनका वेतन का भुगतान अवश्य होना चाहिए। और दूसरा, उन अभिभावकों के लिए किया है जिनके बच्चे पढ़ते हैं, 3-3 माह का शुल्क एक साथ जमा कराने का क्रम कई विद्यालयों में चलता था, तो उससे कहा गया है कि 1 माह से अधिक का शुल्क जमा न कराएं। अगर 1 माह का शुल्क देने में भी किसी को कोई परेशानी है तो उसे अगले महीनों में समायोजित किया जाए। इसके साथ साथ हमने ये भी एक उपाय किया है कि जो बढ़ी हुई हर साल जो फीस बढ़ा देते हैं विद्यालय लोग, तो वर्ष 2020 और 21 में कोई भी विद्यालय अपने शुल्क को नहीं बढ़ाएगा। शुल्क को बढ़ाने का जो क्रम है वो स्थगित रखा जाएगा, और वर्ष 1919 और 20 में जो शुल्क नियत था, चाहे वो प्रवेश का शुल्क हो, चाहे किसी प्रकार का फीस का भुगतान का हो, वो वही रहेगा जो 1920 में था। इसके साथ ही हमने ये भी निश्चय किया है कि सभी विद्यालयों में ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो, और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम कोर्स को पूरा करने का क्रम जारी रखे हैं। हम जल्दी ही जो हाई स्कूल इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं संपादित हुई हैं उनका कापियों का मूल्यांकन हम 5 मई से प्रारंभ करने वाले हैं, और इसी तरीके से जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उनको 3 मई के बाद 15 दिन का अवधि देके हम परीक्षाओं को प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो सत्र है वो नियमित होगा और सत्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उत्तराखंड के सिडकुल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार के सामने 3 मांग रखी है। पहली मांग है कि इंडस्ट्री पर यह दबाव न बनाया जाए कि जो कर्मचारी घर में बैठे हैं उन्हें भी वेतन दे। दूसरी मांग है कि इंडस्ट्री को चलाने के जो मानदंड प्रशासन ने तय किए हैं इसमें बदलाव की जरूरत है। और तीसरी इनकी मांग है कि विद्युत दरों में कमी की जाए। हमें लॉकडाउन की स्थिति है और MSME के लिए एक सर्वाइवल का एक प्रश्न है। हमारे इस पूरे जिले की सारी एसोसिएशन आज एक मंच पर इकट्ठा हुई, किस तरह से अभी लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद MSME सर्वाइव करेंगी इस प्रदेश में, इस देश में। MSME का जो कंट्रीब्यूशन है हम जानते हैं कि GDP में 29% है, एम्प्लॉयमेंट में 45% है, एक्सपोर्ट्स में 50% है, और नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूँ तो 95% हमारे देश में MSME है। MSME के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स होते हैं। मार्च फिर भी हम सर्वाइव कर पाए, हमने बिना काम के वेतन भी दिया है, लेकिन अब जो समस्याएं आ रही हैं उसमें एक समस्या है कि अप्रैल माह का भी वेतन हमको देना पड़ेगा, तो ये हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो पूरी तरह रुक गया है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, किसी तरह कोई पैसा नहीं आ रहा है, सारे खर्चे हमारे बैंक के इंटरेस्ट वहीं के वहीं हैं, उनको सिर्फ डेफर किया गया है, वेव ऑफ नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी में जो फिक्स चार्जेस हैं, फैक्ट्री नहीं चलने के बाद भी जो मिनिमम चार्जेस हैं वो हमको देने पड़ रहे हैं, तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमको दिए देने पड़ रहे हैं। और सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि हमें अपने सभी वर्कर्स को सैलरी भी बिना काम के उनको देना पड़ेगा। सबसे पहली मांग है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स और मिनिमम चार्जेस हैं इनको डेफर नहीं, इनको हटा दिया जाए कम से कम लॉकडाउन के दौरान और उसके 30 दिन तक, ताकि हम लोग को कुछ कैश में लिक्विडिटी में कुछ सपोर्ट मिल सके। दूसरा हमारी मांग ये है कि
हम लोग अब जो भी कुछ इंडस्ट्री चल रही है एसेंशियल कैटेगरी में, वो लोग अपने मटेरियल को दूसरे राज्यों में नहीं भेज पा रहे हैं जो पार्ट लोड में अगर भेजना है, क्योंकि वो हब्स के थ्रू और गोडाउन के थ्रू होता है और ट्रांसपोर्टर की इस तरह की एजेंसी है उनको इस तरह से ऑपरेट करने की, हब्स खोलने की, गोडाउन खोलने की परमिशन नहीं है। तो हमारा वो माल भी दूसरे राज्यों में नहीं जा पा रहा है, हम रॉ मटेरियल भी अपने यहाँ नहीं ला पा रहे हैं, तो इनको चलाने की परमिशन दी जाए। तीसरा हमारा है कि जो भी गवर्नमेंट की शेड्यूल एक्टिविटीज़ है, शेड्यूल इंस्पेक्शंस है, जैसे लेबर डिपार्टमेंट के PF, ESIC, ऐसे बहुत सारे शेड्यूल इंस्पेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो जो भी सरकार के शेड्यूल चार्जेस हैं, जो भी सरकार के शेड्यूल इंस्पेक्शंस हैं, उनको 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। हम मना उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने हम अपने पैरों पर वापस खड़े हों तो हमारा पूरा ध्यान प्रोडक्टिविटी पर रहे, ना कि इन सब गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन में हम लोग उलझे। लोग इस मत पर हैं क्योंकि जब हमारे पास कैश फ्लो नहीं है और अगर हमारे ऊपर दबाव डाला गया तो हमारे पास फैक्ट्रीज को बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। हम अभी सब लोग अपनी फैक्ट्रीज बंद करके हम अपनी चाबियां सरकार को सौंप देंगे। हमने अपनी ये सभी मांगे पिछले 1 महीने से जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उनके पास लगातार भेज रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। तो चीज़ों को पोस्टपोन किया जा रहा है या उसको डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, जबकि बाकी राज्य इन पर डिसीजन ले चुके हैं और सब बाकी इंडस्ट्रीज को उन राज्यों में सुविधाएं मिल चुकी हैं। लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि हम उत्तराखंड में हम ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ में उत्तराखंड में रॉ मटेरियल मिलता है, ना हम अपना फिनिश गुड्स का यहाँ पर हमारे कंजम्पशन है। हमको बाहर से दूसरे राज्यों से ही रॉ मटेरियल लाना है, दूसरे राज्यों में फिनिश गुड्स भेजना है, तो हमको एडिशनल सपोर्ट चाहिए। पर्टिकुलरली मैं बात करूं, पैकेज था तो कुछ इंडस्ट्री यहाँ आ पाई, लेकिन पैकेज खत्म होने के बाद भी वो सुविधा हमारे पास खत्म हो गई है। अभी इस समय अगर हमें सरकार की तरफ से कुछ अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो राज्य में इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इसके बाद हमें या तो हम बंद कर देंगे इंडस्ट्रीज को या हम फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे जहां पर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है या इंडस्ट्रीज के लिए अनुकूल माहौल है। सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा, सारी इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म पे आई, पिछले 1 हफ्ते से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और सभी का ये है कि इसके अलावा अभी कोई रास्ता हमारे सामने नहीं। देखिए, जो इंडस्ट्रीज को चलाने की कुछ लिमिटेड मैन पावर के साथ चलाने की कंडीशन है, उनके साथ भी काफ़ी समस्याएं आ रही है। सबसे बड़ी समस्या है लेबर को लाने की। लेबर को अभी जो सरकार का रूल था कि लेबर आप फैक्ट्री में एकोमोडेट नहीं कर सकते, ये अभी तक सरकार का रूल रहा है। अब अचानक से सरकार बोल रही है कि आपको लेबर के लिए परमिट हम तब करेंगे जब आप लेबर को अंदर फैक्ट्री में रखेंगे। उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी था ही नहीं, अगर हम बनाने की कोशिश भी करते तो हमारे लक्ष्य उसको रिजेक्ट हो जाते, तो वो परमिशन कभी थी नहीं। अब हमें बाहर से जो लेबर्स को लाना है, जो सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के रूल बनाए हैं, वो व्यवहारिक नहीं है। अभी उसमें क्या हो रहा है कि एक बस जो 50 सीटर बस है उसमें 20 लोग ही हम ला सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है। वो 5,000 रुपये में एक बस वाला 10 किलोमीटर के हमसे चार्ज कर रहा है और उसमें 20 आदमी को हम ला पा रहे हैं। आने जाने में एक आदमी जिसकी 500 रुपये पर डे की सैलरी है, उसका 500 रुपये फ्रेट हो जा रहा है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी सरकार के पास खाली खड़ी हुई बसें हैं, रोडवेज की बसें हैं जो अभी नहीं चल पा रही हैं, उन बसों को इंडस्ट्रीज के इस कामों में लगाया जाए और एक नॉमिनल चार्ज इंडस्ट्री से लिया जाए। कानपुर पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस ने पूजा करने जा रहे व्यक्ति का थाली गिरा दिया और उसे छुप कर चलवाया, जिसके बाद अधिकारियों ने पुलिस पर कार्रवाई करते हुए थाने के इंचार्ज से हटा दिया है। भगवान कभी परीक्षा लेता है और आप ऐसे ही अब मंदिर तक चलिए, चलिए बैठ बैठ चलिए बैठ 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 आपको परीक्षा करिए बैठ बैठ किस मंदिर जा रहे हैं? हाँ भाई, किस थोड़ी है किस देवता का हनुमान जी का है? पीपल के बीच को लगाइए, जय हो पीपल महाराज, मैं आ रहा हूँ। चल जाइए ब्रह्म परीक्षा बस्ती रह गया।
तेलंगाना से श्रमिकों को झारखंड लाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार जल्द ही देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को भी लाने की कवायद शुरू करेगी, जिसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज का भी उपयोग किया जाएगा। राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रही छात्रा कविता अपने परिवार के साथ तिरंगे का मास्क बना रही है। उसका परिवार अभी तक 3000 तिरंगे का मास्क बनाकर लोगों के बीच में वितरित कर चुकी है। कविता ने अपने संदेश में कहा है कि कोरोना को भगाएंगे, भारत को जिताएंगे। मेडिकल पे मास्क लेने गई थी तो वहाँ पे जो है मास्क की कमी होने के कारण लोग ना ब्लैक में भेज रहे थे। अब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी रोजाना ना बुक यूज एंड थ्रो है, अब डेली के डेली हम अलग अलग नहीं खरीद सकते, तो फिर ना मैंने सोचा कि मैं खुद मास्क बनाऊंगी, खुद के लिए भी बनाऊंगी, परिवार के लिए भी बनाऊंगी और पूरी पब्लिक में भी सप्लाई करूंगी और फ्री में सबको वितरण करूंगी। और जैसे हमारे देश की हमारी सिटी की पुलिस है, मीडिया है, डॉक्टर्स है, सब तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मैं भी उनकी सेवा करूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपना कर्तव्य देश की देश के हित के लिए अपना कर्तव्य निभाऊंगी। तो किस तरह के मास्क बना रहे हो आप? मैंने पहले सफ़ेद बनाने शुरू किए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कपड़ा मुझे मिलता गया ये अपने आप तिरंगा बनता गया और फिर मैंने तिरंगा ही बनाना शुरू कर दिया। वैसे कहते हैं कि है ना हमारे तिरंगे के तीन अर्थ हैं, ऑरेंज कलर वीरता का प्रतीक है, सफेद कलर शांति का प्रतीक है और ग्रीन कलर हमारी समृद्धि का प्रतीक है, और जो हमारे तिरंगे में चक्र है वो हमारी देश के विकास का प्रतीक है। लेकिन मैं अभी ये सफेद कलर दूंगी मीडिया को, डॉक्टर्स को और पुलिस वालों को, जो हमारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, और हरा और ये केसरिया कलर दूंगी मैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और मैं चाहती हूँ, मैं ही क्या, पूरा विश्व यही चाहता है कि कोरोना दूर हो जाए और हम खुद मास्क बनाएंगे ताकि लोगों को बैक्टीरिया से दूर रखा जाए। और ये मास्क वितरण करके मैं लोगों को बैक्टीरिया से दूर रखने की कोशिश करूँ, एक छोटी सी कोशिश अपनी तरफ से रखी है ताकि हमारा देश कोरोना से दूर हो, कोरोना देश से चला जाए, देश से क्या पूरी दुनिया से चला जाए। कोरोना को भगाएंगे, भारत को जिताएंगे और तिरंगा पूरे विश्व में लहराएंगे। आपका नाम? मेरा नाम कविता है, मैं जयपुर से आरएस की तैयारी कर रही हूँ और वैसे मेरी क्वालिफिकेशन एमए है। मुंबई में 82 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दे दिया। मुंबई पुलिस और इलाके के लोगों ने उनका स्वागत कर उनकी हिम्मत की दाद दी और हौसला अफजाई किया। ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। नमस्कार।